क्या आप जानते हैं दोस्तों कि वन ऑफ द बेस्ट टूल जो है हमारे पास वीडियो एडिटिंग का और ऑडियो एनहेंसर का, जो कि आपको बैकग्राउंड में कोई भी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग वीडियो एडिटिंग को कैसे मस्त बना सकते हैं। तो क्या आपका भी यही परेशान है कि ऐसा कौन सा टूल है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं डिजिटल दुनिया हब में। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं एक डिजिटल मार्केटर एंड फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूँ, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो चलिए, द वन ऑफ द बेस्ट टूल जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ और यूज भी करता हूँ, ऑडियो एनहेंसर के लिए, जो कि हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ फाइल्स, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ सुन सकते हैं इसके अकॉर्डिंग की बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा नॉइसेस आ रहा है। इस तरीके का अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और पीछे बैकग्राउंड में वॉइस जो आ रहा है उसको हम लोग कैसे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको सिंपल सा एक टूल बताता हूँ। सबसे पहले जो ऑडियो है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से राइट क्लिक किया, इसका एक एक्सट्रैक्टर टूल आता है जो कि मैं बताऊंगा। सो यहाँ पे आपको फाइल कन्वर्टर दिख रहा है ना, फाइल कन्वर्टर, यहाँ पे वीडियो टू MKV, MP4, लो क्वालिटी, रोटेट लेफ्ट, रोटेट लाइट, और OGV, AVI, GIF, GIF में भी OGG टू MP3 करना है हमें। तो ये बेसिकली क्या करेगा ना कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो फाइल है वो हमें कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ पे अभी 3, 2, 1, दैट्स इट, फाइनल। अभी हमारे पास जो है एक्सट्रैक्ट जो है वो ऑडियो निकल करके आ चुका है। अभी हम लोग इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइल कन्वर्टर, तो हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाइल कन्वर्टर, ठीक है। फाइल कन्वर्टर लिखने के बाद आपको फाइल हिपोक लिखना है, एंड आपको जो यहाँ पे फाइल दिखने को मिलेगा यहाँ पे फाइल कन्वर्टर का, जो कि ये वाला है, आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पे डाउनलोड क्लिक करना है। ये सिर्फ ओनली पीसी के लिए है, एंड अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो आपको भी मोबाइल पे देखने को मिल जाएगा फाइल एक्सट्रैक्टर। जो वीडियो है उसको अपलोड कीजिए और सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो टू MP3 कन्वर्टर, दैट्स इट। सो यहाँ पे आपको फ्री कन्वर्टर का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी हम लोग वीडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑडियो के अंदर, और वीडियो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है, मतलब रखा हुआ होता है। तो चलिए, दूसरा स्टेप जो है हमारा कि हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी इस वाले को हमें क्या करना है कि वीडियो को जो बैकग्राउंड का जो नॉइस है उसे हमें रिमूव करना है। एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, हमारा स्टेप 1 प्रोसेस कंप्लीटेड। स्टेप 2 प्रोसेस रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे एडोब पॉडकास्ट बीटा है ना, यहाँ पे सिंपली सर्च करना है ADOB Enhancer, ऑडियो लिखना है, एंड यहाँ पे सबसे पहले जो फाइल दिखेगा, एनहेंस स्पीच फ्रॉम ऑडियो फ्री AI फिल्टर क्लीनिंग अप, तो इस तरीके से ये वाले वेबसाइट पे आपको लेकर के चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो है वो अकाउंट नहीं बना होगा, तो हमें क्या करना है, अपने अकाउंट को अकाउंट बनाना है, इस पे नाम, नंबर, ईमेल आईडी
पूरा दे करके हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना है। तो इसका खास बात ये है कि आप देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, अभी इसको देखिए। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑडियो का फाइल है, फाइल टाइप्स ओनली MP3 एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स का ड्यूरेशन देता है, 500 MB का मैक्सिमम साइज, 1 घंटा डेली और टोटल डेली लिमिट 1 आवर। सो इसमें हम लोग एक बार यूज़ किया तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसको अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे चूज फाइल्स का ऑप्शन मिलता है हमें। यहाँ पर जहाँ पर भी हमने फाइल्स को अपलोड किए होंगे ना, यहाँ पे दिखने को मिलता है हमें। सो बेसिकली हमने डाउनलोड्स पे रखा था और इस तरीके से इस फाइल को हमें ओपन कर लेना है। दैट्स इट गाइस, अभी हमें इसको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। अभी ये तो पूरा अपलोड हो गया है, अभी हम लोग इसको चेकआउट करके भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे किया मैंने इसको। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इसको किसी चीज़ को करने के लिए। तो अभी स्टिल एनहेंसिंग पे मतलब लोडिंग हो रहा है। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि ये थोड़ा टाइम लेगा, कि इसका जो वीडियो का आउटपुट रहेगा ना वो काफी अमेजिंग और मस्त रहेगा। सो चलिए ये जो वीडियो है इसको हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, तो इसको भी मैं आपको सुना दे रहा हूँ। सो बेसिकली यही दो वीडियोस हैं जो कि हमने कुछ इस तरीके का। तो कुछ इस तरीके का ऑडियो हमें देखने को मिलता है। एंड सिंपली यहाँ पर भी हमें अभी यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का फाइल ऑप्शन मिल जाएगा। सो ऑलरेडी हमारे पास है तो हम नहीं यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपको एक और फाइल अपलोड करना है तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल्स, और किसी भी फाइल को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं किसी भी फाइल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, अभी हमने वीडियो को एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको मैं सिंपल सा टूल बता रहा हूँ, या इस पे राइट क्लिक करना। यहाँ पे जाने के बाद होम पेज पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, इसमें से आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इसको क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए हमें यही चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, और इसको हमने एडिट करूँगा। अभी यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प लिखना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे दो तीन हमें मिल जाएगा, एक हो गया माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस, तो हमें ये वाला नहीं, हमें ये वाला यूज़ करना है। सो इसको हम लोग एडिट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड है हमारा, तो हम लोग इसको जस्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ से हम लोगों को जो ईमेल आईडी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हमने बनाया था पहले एडोब के लिए, यहाँ से भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चले आते हैं क्रिएट ए न्यू वीडियो। आपको यहाँ पे ब्रांड किट, टैंपलेट्स और ऐड फोल्डर, हम लोग अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से हमें देखने को मिलता है, गेमिंग वगैरह, पूरा सिस्टम का सेटअप। अगर आप मोबाइल पे यूज करना चाहते हैं तो आप इनशॉट इज वेरी बेस्ट ऑप्शन, यू कैन यूज इट ऑल्सो। सो चलिए यहाँ पे हमने होम पे लिया, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वीडियो, और यहाँ से हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पे नाम दे देंगे, चूंकि हमने नाम दिया था राजीव दीक्षित।
से कहा गया आयुर्वेदिक। ठीक है, तो हमने अपने वीडियोस को अपलोड करना, अपलोड करने के लिए पहले हम लोग ये वाला लेंगे, जो कि एक वीडियो तो हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, फिर हम लोग जो वीडियोस बनाए थे हमने वीडियोस के लिए, तो वही वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो है ये प्रिपेयरिंग पे मतलब अपलोडिंग ले रहा है, सो तब तक हम लोग बाकी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आखिर है क्या क्या। यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन एंड क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे स्क्रीन एंड शेयर का रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग अपने कैमरे को ऑन करके यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे इस तरीके का। और यहाँ पे हम लोगों को कैमरा देखने को मिलता है, मतलब कैमरा वन टू वन बात करने के लिए यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग टूल है। फिर हो गया स्क्रीन, सिंपली हम लोगों को यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर मिल जाता है, एंड इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट टूल एडवांस में। यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड ऑडियो के लिए अभी हम लोग जो भी बात करेंगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऑन करके ये पूरी सब चीज़ें रिकॉर्ड करेगा, एंड दैट्स इट। अभी इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, सेव एंड एडिट। अभी अभी हम लोग इसको रीटेक रिकॉर्डिंग और सेव एंड एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो डू यू वांट एग्जिट? यस एग्जिट। अभी टेक्स्ट टू स्पीच, तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट वॉइस लोडिंग ले रहा है, गॉट इट। व्हाट्स योर टेक्स्ट हियर, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। लिखने के बाद हमें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनिमम यहाँ पे ड्यूरेशन आपको 10 मिनट्स तक देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कंटेंट में। कंटेंट लाइब्रेरी का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी स्टिकर्स, म्यूजिक कंटेंट वगैरह, शेप स्टिकर्स होता है, इमेजेस, एफेक्ट्स, ओवरलेस, यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कलेक्शंस आ जाएगा हमें देखने को मिलता है। बेसिकली जो प्रीमियम है वो तो प्रीमियम ही रहेगा ना। टैम्पलेट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब का इंट्रो, इंस्टाग्राम के लिए, और यहाँ पे स्लाइड शोस, टिकटॉक, सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, टैम्पलेट्स, सेलिब्रेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे बहुत कुछ है, तो हम लोग यूट्यूब ले लेंगे। और यहाँ पे आपको यूट्यूब में इंट्रोस चाहिए, आउट्रोस चाहिए, चैनल का नेम चाहिए, क्या चाहिए? एक तो हम लोग कैनवा पे भी चैनल का वो इंट्रो का वीडियो बना सकते हैं बेसिकली हमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग का ऑप्शन अच्छा है, लोग इसको ले सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक कर करके यहाँ पे यूज टू टाइमलाइन कर देंगे, एंड दैट्स इट। यहाँ पर भी हमें जो वीडियो है वो इम्पोर्ट होने के लिए तैयार है। ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बहुत ही कमाल का चीज़ है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत अलग अलग टेक्स्ट देखने को मिलता है। सो टेक्स्ट में हमें यहाँ पे नॉर्मली जो टेक्स्ट है यहाँ पे हमें टेक्स्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे सबटाइटल है, टेक्स्ट राइटर है, डबल लाइंस है, नेम एंड ग्लो। यहाँ पे कुछ कुछ जो फीचर्स है वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड यहाँ पे हमें कैप्शंस देखने को मिलता है, सबटाइटल्स, यहाँ पे अप एंड डाउन, फिफ, कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। एंड स्पेशली कोड्स के लिए, रेटिंग्स के लिए, यहाँ पे टाइमिंग के लिए भी देखने को मिलता है, एंड विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टूल। ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें यहाँ पे कटआउट में ट्रांजेक्शन्स लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है हमें। फिर हो गया हमारा ब्रांड किट, तो ब्रांड किट के लिए हमें यहाँ पे पेड लेना पड़ेगा, सो हमें इसका ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अपने वीडियोस के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करके कोई भी हमारा लोगो है, लोगो, फोटो, पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स जो भी हम लोग इसमें इस्तेमाल या अपलोड कर सकते हैं।
इसके लिए एक फोटो दिखा दे रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ माई फोटो, मैंने इसको अपलोड किया एंड दैट्स इट, ये आ जाता है। एंड इसको हम लोग, ये इसको बोलते हैं हम लोग टाइम लाइन। तो टाइम लाइन हमें देखने को मिलता है बेसिकली, जो भी टाइम लाइन है। ठीक है, अभी इसको हम लोग स्क्रॉल आउट कर सकते हैं, जो कि ये म्यूजिक म्यूजिक इतना दूर तक है। अब यहाँ पे हमें, अभी वीडियो तो अपलोड हो रहा है, तो बेसिकली तब तक हम लोग क्या करेंगे कि वीडियोस का जो है उसका साइज हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें से हमें एक काम और कर सकते हैं, बेसिकली ये सब चीजें है ना, तो इसको हम लोग अभी डिलीट करना है, तो हम लोग एक एक चीज ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन है। इसको बोलते हैं हम लोग टाइम लाइन, चूंकि टाइम लाइन यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलता है, एंड बेसिकली इसमें से हम लोग कई सारी टाइम लाइन्स को यूज कर सकते हैं। तो हमने इसे डिलीट कर दिया। सो टाइम लाइन को पहचानने के लिए अभी ये जो वीडियो है ये हमें 400-500 MB का है, तो हम लोग इतना नहीं रखेंगे, इसको हमें छोटा कर देना है। शो मोर ऑप्शंस, फाइल कन्वर्टर टू MP4 लो क्वालिटी। तो हमने यहाँ पे जो वीडियो है उसको कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग उसकी जो क्वालिटी है वो वैसे की वैसी रहेगी और मस्त रहेगा। एंड इसका जो साइज है अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी 446 MB है, इसको घट करके कितना कम होगा वो ये फाइल कन्वर्ट करके हमें बता देगा, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग 50-60 MB हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ना, और इसमें देखने को क्या क्या मिलता है, कैप्शंस, टर्न ऑन कैप्शंस करेंगे तो ट्रांसक्राइब मीडिया में हमें कैप्शंस देखने को मिलता है ज्यादातर, कि यहाँ पे कूलिंग का कैप्शंस। और एक चीज तो मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे जो ये जो रेशियो है 16:9, 1:1, यहाँ पे सोशल मीडिया, पहले ये सिनेमैटिक गुड्स फॉर फिल्म्स एंड ब्लॉक बैनर्स, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कौन से साइज का रेशियो है और कहाँ कहाँ पे हमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4:5 अक्रॉस सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए, 9:16, तो वो हो गया हमारे इंस्टाग्राम एंड स्टोरीज मोबाइल वीडियोस के लिए, ये पिंटरेस्ट एंड फेसबुक फीड, ये सिनेमैटिक एंड ये वीमो फेसबुक कवर्स गुड फॉर यूट्यूब, तो हमें यूट्यूब के लिए करना है। और इसमें हमें 1:1 स्क्वायर एंड गुड फॉर क्रोजल एड्स के लिए हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑडियो, कि हमने जो बैकग्राउंड में ऑडियो लगाया था क्या वो सही में काम कर रहा है, कितना ऑडियो के लिए हमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर हो गया फेड, फेड में हमें ट्रांजिशंस वो सब चीज़ें देखने को मिलता है। फिर फिल्टर्स, चूंकि फिल्टर्स में हो गया कि हमारा जो फेस का फोटो हो गया उसको हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं। एफेक्ट्स में हमने काफ़ी कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं। फिर एक्शनेबल कलर्स एडजस्ट, मतलब टेम्परेचर को घटने बढ़ाने के लिए। फिर हो गया हमारा स्पीड, जो कि हमने स्पीड के थ्रू कैसे काम करना है, मतलब स्पीड 2x 3x, ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें ऑलरेडी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दिया है। और इनका जो है वो कलर भी, बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो लगभग हमारा जो वीडियो है वो फाइल कन्वर्ट होने ही वाला है। चलिए हमारा 1, 2, 3, दैट्स इट गाइस। तो अभी हम लोग जो वीडियो है उसको हम लोग देख सकते हैं कि कितना MB का हुआ है। तो ये रहा हमारा वीडियो 63.5 MB। तो हम लोग अभी इवर मीडिया पे चलेंगे और इस फाइल को हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अभी हमने इसको यहाँ पे लगाया एंड इसको दिखा दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमने वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो बस यहाँ पे इसको हटा दीजिए और जो हमने फोटोज में अपलोड किया था ये वाला ऑडियो एनहेंसर का, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एंड इसको हम लोग अभी प्ले कर। सो
अभी आप लोग साउंड का क्वालिटी कितना बढ़िया है वो आप देखो पहले, फिर हमारा ऑडियो है, फिर हमारा फेड है, फेड इन फेड आउट, सो कि यहाँ पे हमें कुछ कलर्स वगैरह देखने को मिलता है, फिर हमें स्पेस, फिर हमें कैप्शंस, कैप्शंस अगर हम लोग ऑन करते हैं तो ट्रांसक्राइब मीडिया पे क्लिक करते हैं, ये दोनों जनरेटिंग जनरेटिंग करेगा कि हमने जो ऑडियो लिया था वो पहला वाला, फिर जो अभी का ऑडियो एनहेंसर है दोनों का लेगा। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, और यहाँ पे हमने यूट्यूब का थंबनेल वगैरह, तब तक चैनल का नेम, ब्रांड नेम सोच लेते हैं, तब तक हमारा जो ये वाला वीडियो है एंड से गुड फॉर दिस चैनल नेम, तो हमने यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ऐड टू टाइमलाइन। इट्स मोस्ट ऑफ द थिंग कि ये टेक टाइम लेगा, तो हमें इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या वो सही में, मतलब जो लाइन वाइज है इसको हम लोग लाइन, कि अगर गैप रहेगा ना तो गैप में ये लेता नहीं है जल्दी, इसको एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो गैप इज नॉन रिकवरेबल। हाँ कभी कभी ये थोड़ा टाइमिंग लेता है, बट स्टिल वीडियोस आर वेरी सुपर कूल एंड अमेजिंग। हमें यहाँ पे 4K में तो नहीं, लेकिन 720 तक, 1080 तक हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्वालिटी जो है वो हाईएस्ट, और 4080p पे, 720p पे स्मॉलर एंड फास्टर हाई क्वालिटी का वीडियो हमें देखने को मिलता है। सो हमें 720p पे एक्सपोर्ट और अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और कैप्शंस वगैरह हमें अभी डाउनलोड देखने को मिल रहा है, कैप्शंस भी हमें सीधे सीधे यहाँ पे अपलोड हो ही जाएगा। अगर आप इनशॉट यूज करना चाहते हैं तो इनशॉट में भी आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा, ये ब्लू स्टैक है बेसिकली, हमने यहाँ पे इनशॉट लिखना है, अगर मोबाइल मोबाइल के व्यू ऑफ पॉइंट से जा रहे हैं तो यहाँ पे इनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर भी हम लोग मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमको उतना ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा प्रोसेसिंग पे है क्योंकि हमने जो वीडियो अपलोड किया था अभी 65% हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं तब तक। तो हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है 720 पे, और ये हमारा वीडियो बन करके तैयार हो चुका है। दैट्स इट गाइस, अगर आप अपना चैनल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं, एंड ये सब एक ट्यूटोरियल है जो कि मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया है, एंड इट इज़ वेरी मोर एंड पावरफुल। यहाँ पे कोई भी आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर और भी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, टूल्स एंड स्ट्रेटजी से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस वाले बटन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और मोस्ट ऑफ द अमेजिंग टूल्स के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ साथ अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात जो कि मैं कहने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फेसबुक एड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगा, तो इस वाले बटन को ज़रूर, वीडियो को जरूर देखिएगा।